हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके यूपी टेट सुपर टेट से रिलेटेड, खास तौर पे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो ये छोटी सी वीडियो है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए सुपर टेट के लिए जो है अभ्यर्थियों की भी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है एंड उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंप दिया है। और आपको पता है कि जनता दर्शन होता है, उसी में जो है डीएलएड के अध्यक्ष एंड कुछ युवा अभ्यर्थी भी साथ में गए थे। और अगर मांग नहीं पूरी होगी तो बहुत जल्द जो है उन लोगों ने बोला है कि हम धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहो, क्योंकि देखिए और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो है मुलाकात हुई है हमारे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से, तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि पॉजिटिव है इस बार, कि इस बार उन्होंने ये नहीं बोला है कि छात्र एंड शिक्षक अनुपात बराबर है। तो तैयारी करते रहो, और केवल यूपी टेट के, जिसका भी यूपी टेट नहीं है हुआ है या फिर सी टेट नहीं है, तो दोनों में से कोई एक आपका पास होना चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगी कि अभी सीटेट 7 जुलाई वाला पास कर लो, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जितना जल्दी आप सीटेट पास करेंगे उतना ही जल्दी आप सुपर टेट की तैयारी के बारे में सोचोगे। तो अगर आपका सीटेट पेपर 2 में सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो आप हमारी पेड नोट्स ले सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है स्टूडेंट्स को इसमें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों चीज़ें हमने बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज एंड बहुत ही मिनिमम जो है रुपीज़ में आपको मिल रहा है। तो आप मैसेज करके ले सकते हो, कॉमेंट सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए पेपर 1 तो चलो ठीक है, उसकी शिक्षक भर्ती प्राथमिक का जूनियर की भी भर्ती आएगी, और मान लो अगर दोनों भर्ती आपको देखने को मिल रही है तो आप जूनियर वाली वैकेंसी जो 6 to 8 की वैकेंसीज है उससे तो बाहर हो जाएंगे ना। इसलिए जितने लोग भी हैं आप दोनों ही पेपर क्लियर करने के बारे में सोचो, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर 1 के कंपेयर में पेपर 2 थोड़ा सा टफ होता है, बट अगर आपका पास हो जाए भर्ती आ जाए तो उसमें सैलरी ज़्यादा अच्छी होती है प्राइमरी के कंपेयर में, ठीक है। और बस सुपर टेट तो है नहीं, अभी आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको 6 to 8 की वैकेंसीज आती ही है। तो आप दोनों पेपर क्लियर करें, बार बार सीटेट का एग्ज़ाम देना, बार बार पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, और ना ही आपको भी यही लगेगा कि आप पता नहीं कब से जो है बस सीटेट ही दे रहे हो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आपका कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करें, क्योंकि देखिए सीटेट की तैयारी हो चाहे सुपर टेट हो यूपी टेट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही होंगे आपको। और अभी फिलहाल के लिए टेस्ट बुक पे ऑफर चल रहा है, आप चाहें तो ले सकते हो, सारी डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जीकेसी कोड यूज कर लोगे तो आपको 1 ईयर के लिए 466 में मिलेगा। 1 ईयर टेस्ट बुक पास प्रो में आपको प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, 650 से ज़्यादा एग्जाम्स के आप एक्सेस कर पाओगे। और अभी अगर आपका एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, या फिर आपका यूपी टेट है, सुपर टेट, सीटेट, इन सब में काम आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहते हैं कि जब भी ऑफर आएगा टेस्ट बुक पे तो बता दो, तो अभी ऑफर चल रहा है, इस बीच में लेंगे तो ही फायदा होगा। सबसे पहले तो देखिए जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने गए वो लोग, तो आप भी जानते हो कि उनसे मिलना आसान नहीं है। जनता दर्शन में ऑब्वियस ही बात है मुख्यमंत्री जी आते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, उसी बीच में जब अध्यक्ष डीएलएड के पूर्व अध्यक्ष एंड साथ में आपके बहुत सारे अभ्यर्थी भी गए, और वो लोग पूरे खाली पदों का ब्यौरा अपने साथ लेकर गए थे कि इतनी इतनी वैकेंसी, साथ में जो हलफनामा दिया गया था सरकार के ही द्वारा 51,000 पद खाली हैं और 2018 के बाद अभी तक वैकेंसीज नहीं आई है 6 साल तक, सारी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट वो लोग लेकर गए खाली पदों के ब्यौरा के साथ, और वहां पे वेट कर रहे थे कि उनसे मुलाकात हो जाएगी। बट मुख्यमंत्री जी से ऑब्वियस सी बात है मिलना आसान नहीं है, तो जो सचिव हैं वहां के वहाँ प्रेजेंट थे, उनको उन्होंने ये ज्ञापन दे दिया और बोला कि उनको सौंप दीजिएगा। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि बहुत समय हो चुका है, क्योंकि उन्हीं से बात ही हुई है कि शिक्षक भर्ती नहीं आई है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा आंदोलन हम अभ्यर्थियों के द्वारा किया जाएगा। इसी में जो दूसरी खबर है, कुछ अभ्यर्थी हैं जिनकी मुलाकात हुई है, जो भी ये इन्फॉर्मेशन है ये आपको पता है ग्राउंड लेवल पर अभी चल रहा है, वही सारी अपडेट मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप भी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो उनका ये कहना है कि जब उनसे मुलाकात हुई हमारे संदीप सिंह से, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, कि इतना समय हो चुका है शिक्षक भर्ती नहीं आई है, इतने सारे पद खाली हैं, कब तक आएगा, तो उन्होंने भी जो है उनको आश्वासन दिया है। और इस बार उन्होंने पॉजिटिव, मतलब कि पिछली बार हर बार होता था ना कि नहीं वैकेंसीज नहीं आ सकती है, सब कुछ बराबर है, इस बार उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, कहा है कि जल्द ही हम इस पर कुछ करने वाले हैं। तो बस एक ही चीज़ है, आपकी तैयारी सीटेट पास हो जाने के बाद से आप लोग को सुपर टेट की तैयारी करनी स्टार्ट करनी है। यूपी टेट के भरोसे मत रहना, क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट अगर होता है तो इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता है, बैक टू बैक आपको देखने को मिलेगा। ऐसा हो चुका है, आपने देखा होगा लास्ट वाला यूपी टेट के जस्ट 1 से 1.5 महीने बाद ही आपका सुपर टेट हो गया था, ठीक है। तो ब्यौरा दे दिया गया है, और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो है ट्वीट करके जानकारी भी दी थी कि परीक्षा का कैलेंडर जो है जारी होना चाहिए, परीक्षा सही समय पर होना चाहिए, पेपर लीक से रिलेटेड भी कानून बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो वो कर ही रहे हैं। और ये इस बार ऐसा हुआ है कि हमें रोजगार से रिलेटेड भी ट्वीट देखने को मिल रहा है। तो यूपी टेट, सी टेट, डीएलएड वाले अगर सीटेट पेपर 1 पेपर 2 पास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बीएड वाले कहते हैं कि हम प्राइमरी में शामिल हो पाएंगे, तो देखिए प्राइमरी में केवल डीएलएड वाले जाएंगे, और जूनियर में जो 6 to 8 की वैकेंसीज आएगी उसमें बीएड वाले फॉर्म भरेंगे,
और 6 to 8 में आपके जो डीएलएड वाले जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होता है वो भी जाते हैं, वो भी अप्लाई करते हैं। बाकी टीजीटी में केवल बीएड वाले, डीएलएड वाले नहीं। और इसके लिए आपको यूपीटेट ही पास करना जरूरी नहीं है, इसमें आपका सीटेट भी वैलिड है। सीटेट नंबर वैसे भी नहीं जोड़े जाएंगे, देखो नंबर तो नहीं जोड़ा ही जाएगा, आपका रिटन ही एग्ज़ाम होगा। बाकी देखते हैं मेरिट का क्या है, मेरिट इसमें काउंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा भी सवाल है कि किस तरीके से परीक्षा हो। सबसे पहले तो भाई विज्ञापन ही जारी हो जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अभी ये हो रहा था कि जून, अभी आयोग ने काम करना स्टार्ट कर दिया है न्यूमाली पे, और बहुत जल्द जून के लास्ट तक आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। बट वो सुपर टेट का विज्ञापन नहीं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि पहले से पेंडिंग है उनके बारे में, ठीक है। तो बस आई होप कि सुपर टेट जल्द से जल्द आए, और मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुँच गई है, और शिक्षा मंत्री तक भी। ये अपडेट अभी रिसेंटली का है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो बाकी जो भी चीज़ें होंगी बताइएगा, एंड आप पेपर 2 सोशल साइंस का पेड नोट्स ले सकते हो, मैसेज कर देना, ठीक है। बाद में आपको बहुत महंगा भी पड़ेगा इसी वजह से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।